हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारा दोस्त है जो कि कनाडा जाना चाहते हैं एज ए स्टडी वीज़ा। तो उन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर नया कुछ रूल्स लेके आया है, जो कि पहले था SPP स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, अभी लेके आया है SDS, राइट। इसमें आपका हो गया है 6 बैंड ईच मॉड्यूल, राइट। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, जिस बंदे के पास 6 बैंड ईच मॉड्यूल पर नहीं है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है स्टडी वीज़ा के लिए। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर SDS और नॉन SDS के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, A to Z आप कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको किस टाइप के इंस्टीट्यूट पर आपको जाना पड़ेगा, इसके रिलेटेड A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल TechBitanAll को। और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उसमें होगा कि मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपने सुना ही होगा कनाडा ने नया कुछ रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है जो कि स्टडी वीज़ा के लिए है, राइट। जो कि पहले था आपका SPP स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपका 6 मंथ का आपको कुछ फीस देना पड़ता था, उसके बाद आपको VIC लेना पड़ता है। और इसमें अगर आपका बैंड अगर 5.5 भी था तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मिनिमम आपको 6 बैंड ईच मॉड्यूल हो गया है, यानी कि आप ओरल हो या फिर अदर्स कोई भी मॉड्यूल हो, आपको हर मॉड्यूल पे आपको 6 बैंड लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत ही थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो बात आता है कि पहले क्या होता था, पहले की कुछ गुने चिने कुछ ही कॉलेज में आप जा सकते हैं, राइट। लेकिन अब क्या हो गया है कि आप बहुत सारा कॉलेज, जिन कॉलेज के पास, राइट, जिन कॉलेज के पास आपका जो पहले चुना मुना जो कॉलेज था बहुत ही कम कॉलेज था, अभी उससे भी बहुत ज़्यादा कॉलेज मिल जाएगा। जिन कॉलेज के पास आपका DLI नंबर आपको होगा ना, वही कॉलेज आपका SDS के अंदर आ जाएगा, राइट। तो इसमें आपका बहुत ही एक एडवांटेज आपको मिल गया है, राइट। तो SDS क्या होता है, SDS होता है आपका स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, राइट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो और जिन लोगों के पास 6 बैंड नहीं है, क्या वो लोग नहीं जाएगा स्टडी वीज़ा पे कनाडा? जी हाँ जी भाई, वो लोग भी जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले जो SDS होगा उसके आपको लगेगा, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, उसका जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग जो टाइम रहेगा बहुत ही फास्ट रहेगा, 45 डेज के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, राइट, कि रिजेक्ट हुआ या फिर अप्रूव हो गया। और उसमें आपको जो फीस देना पड़ेगा, एक साल का फीस आपको देना पड़ेगा, जो पहले होता था 6 मंथ का, अभी हो गया है 1 साल का आपको फीस दे के जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको GIC देना पड़ेगा, $10,000 आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, 6 बैंड ईच मॉड्यूल, राइट, आपको 6 बैंड ईच मॉड्यूल लेना पड़ेगा IELTS पे। और उसके साथ साथ आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप अपना फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हो जो लोग नॉन SDS के अंदर आता है, राइट, उनका वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, 60 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका वीज़ा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, रिजेक्ट हुआ या फिर अप्रूव हुआ। उनको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जैसे कि उनका फंड दिखाना पड़ेगा, राइट, इनकम टैक्स का रिटर्न दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन दिखाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कनाडा, या फिर आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, कौन से कोर्स के लिए, A to Z जो भी होता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और आप कनाडा छोड़ के आओगे कोर्स ख़त्म होने के बाद, ये भी आपको क्लियर करके उन लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एक उस चीज़ था SDS और नॉन SDS के लिए। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी फाइल अप्लाई कर सकते हैं और पेपर फाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। तो यही था SDS और नॉन SDS के लिए कुछ अपडेट। और जो DLI जो इंस्टीट्यूट होता है आप वहीं से जाके करा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि वो क्योंकि DLI जो इंस्टीट्यूट आता है ना वो आपका SDS के अंदर आता है, लेकिन हर DLI इंस्टीट्यूट के पास स्टडी वीज़ा का जो भी हो उसका प्रोसेसिंग जो भी है स्टडी वीज़ा का परमिट नहीं रहता है, यानी कि स्टडी वीज़ा नहीं दे सकता है। तो आप जानकारी लेके ही जाइए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कराओगे, राइट, वो इंस्टीट्यूट आपका स्टडी वीज़ा कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको एज ए प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। तो आप इसके लिए गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, मेरे पास जो भी था टूटा मोटा पड़ा हुआ अपडेट वो मैंने आपको दे दिया।
अगर आपको और भी जानकारी लेना है तो सिंपली आप गूगल में जाके सर्च करो, ठीक है ना, SDS के बारे में, और SDS का जो भी होता है DLI इंस्टीट्यूट, उसके बारे में भी आप सर्च करो, देखो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट SDS के अंदर आता है, और जो इंस्टीट्यूट SDS के अंदर आता है उसके पास जो स्टडी वीज़ा आपको दे सकता है यानी कि प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, A to Z आप जाके ऑनलाइन पर सर्च करो, आपको और भी मिल जाएगा डिटेल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही था, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको जानकारी मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।